गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक बहुत बड़ा बयान जारी हुआ है। जी हां, सीएम धामी ने विधानसभा नियुक्तियां निरस्त करने का किया स्वागत और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच पर बड़ा बयान दिया है। तो वो बड़ा बयान क्या है, पूरी स्टोरीज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा सीएम धामी ने और क्या कहा उसका स्पेशल वीडियो हमने जो है टेलीग्राम पर अपलोड किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अनियमितताओं के द्वारा यानी कि जो नियम के विरुद्ध भर्तियां हुई थी, जो उनको निरस्त किया था, उसका यहां पर उन्होंने स्वागत किया है। उसके अलावा श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण को इसके ऊपर उन्होंने बधाई भी दी है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है, इसके लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बयान दिया। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की वो भ्रष्टाचार को लेकर की। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 से 2021 के बीच में विधानसभा में जो भर्तियाँ हुई थी बैकडोर से, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल के टाइम पर हो, चाहे वो कुंदन जो है कुंजवाल के टाइम पर हो, गोविंद कुंजवाल के टाइम पे हो, उनको जो है निरस्त करने पर यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम जो ये कदम उठाया उसका उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया है। और अब जिन्होंने बात हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लेकर और सीबीआई जांच को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में जो है चल रही है और इसके ऊपर जो है संकल्पित होकर जो है काम कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो है सारी भर्तियां स्थानांतरित कर दी हैं। अब नए सिरे से पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर जो है कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हुई थी समूह गौ की, जिसमें लगातार जो है अनियमितताएँ पाई गई थी, 41 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था। वहीं 18 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुके हैं, जबकि 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जो है यहाँ पर जो है लगा दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो है वो किसी भी एजेंसी से जांच कराने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल कहीं भी साफ साफ दृष्टि से ये लग नहीं रहा है कि सीबीआई के मूड में पूरी उत्तराखंड सरकार है, क्योंकि जिस तरह से मामलों को लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियों से घुमाकर अब जो है आपने लोक सेवा आयोग को भर्तियां ट्रांसफ़र कर दी हैं, कैलेंडर जारी हो गया है, एग्जामिनेशन डेट जारी हो गई है, सारे कैंडिडेट्स को दो भागों में जो है बाँट दिया गया है। बाकी पूरा वीडियो हमने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।